तो फ्रेंड्स ये है करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का टफ तरीका सीखना चाहते हैं, टफ से मेरा मतलब अगर आप पीसी से सीखना चाहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर से करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ईजी प्रोसेस बताऊँगा जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से विद इन मिनट अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एक में मैंने बताया था कंप्यूटर से करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एंड दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने मोबाइल फोन से करेक्टर सर्टिफिकेट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में एक ऐप होना चाहिए UPCOP। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर ओपन करके डायरेक्ट सर्च करेंगे यहाँ पर UPCOP, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको एक ऐप मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस और लोगो होगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट सेकंड ऑप्शन एक मिल जाएगा सर्च एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड का, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आपने करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा सेम यहाँ पर नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है लॉगिन करने के लिए, एंड यहाँ आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है। OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक OTP रिसीव होगा 4 अंक का, वो OTP सिंपली यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, एंड यहाँ आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर टैप करने के बाद आप यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। अगेन यहाँ पर आपको सर्च एंड एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्विस टाइप चुन लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेना है। अगेन यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप यहाँ पर ईयर भर सकते हैं जिस ईयर में आपने करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, या फिर आपके पास जो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर होगा वो सिंपली यहाँ पर आपको दर्ज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो हमने केवल ईयर को चुना है, एंड यहाँ आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपने 2022 में जितने भी करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किए होंगे उन सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने एक ही करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर इसका स्टेटस आ रहा है स्वीकृत, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें सिंपली इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हमारा जो स्टेटस है करेक्टर सर्टिफिकेट का वो ओपन होकर आ जाएगा। तो हमारा सिविल लाइंस वगैरह सारी जगह से वेरीफाई हो चुका है करेक्टर सर्टिफिकेट, एंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड, एंड यहाँ पर अप्रूव्ड भी ग्रीन टिक लगा आ रहा है। तो हमारा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है सब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे जो PDF है वो ओपन करने के लिए ऐप की परमिशन मांगेगा। तो जिस भी ऐप में आप PDF को ओपन करना चाहें वो ऐप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिजिटल साइंड हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ओम प्रकाश सिंह, और ये हमारा जो टोटली करेक्टर सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह का आ चुका है। आप डायरेक्टली आप यहाँ से इसे सेंड कर सकते हैं जीमेल व्हाट्सएप वगैरह किसी पर भी, और चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। वैसे मोबाइल से कैसे प्रिंट निकालते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। एक ऐप आता है नोको ऐप करके, उसे आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कमांड करके OTG से प्रिंटर कनेक्ट करके डायरेक्टली आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।